बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य विभाग के मंत्री मोहम्मद आफाक आलम का पूर्णिया पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ है। मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां पर महागठबंधन के नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। लोगों में उत्साह देखकर मंत्री गदगद हो गए। इस मौके पर मंत्री मोहम्मद आफाक आलम ने कहा कि बिहार सहित सीमांचल का विकास उनकी प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने वादा किया है कि अपने विभाग में जो भी बेहतरी के लिए कार्य किए जा सकते हैं वो उसे करेंगे और गांव तक विकास की बयार को बहाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम महागठबंधन के जो नेता हैं हमारे, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को हम बधाई देते हैं कि हमारे जैसे आदमी को इतना बड़ा विभाग मिला है, पशुपालन मत्स्य विभाग मिला है हमको। हम पहली बार यहाँ अभी पहुँचे हैं, अपने तमाम महागठबंधन के सभी साथी से मिल रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य है कि इस विकास को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचावें, काम को पहुँचावें, पंचायत स्तर तक ये काम को हम बढ़ाएंगे, आगे लेके जाएंगे, और यही उद्देश्य है मेरा। और जो भी स्कीम है वो सारे स्कीम से गरीबों के हाथ तक रोजगार पहुंचाने का काम हम करेंगे। अच्छा, पूर्णिया में सीमेंट स्टेशन जैसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी है, उसको डेवलप करने के लिए और कुछ ऐसा प्लान आपके पास? पूर्णिया में सीमेंट फैक्ट्री भी एक बड़ा खुला हुआ है, जिसके डेवलपमेंट के लिए कुछ आपके पास ऐसा मास्टर प्लान? सीमेंट फैक्ट्री है? सीमेंट फैक्ट्री हो, हाँ, उसके लिए तो हम पूरा प्रयास में भी है और हम जाएंगे वहाँ, देखेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे और उसमें जो भी कमियाँ होगी उसको हम पूरा करेंगे। सीमांचल पहुँचे हैं, अमित शाह का आगमन होना है सीमांचल में। कल संजय जायसवाल का एक बयान आया था कि सीमांचल में सबसे, देखिए, ये तो जब भी चुनाव होता है तब भी ये लोग कुछ न कुछ सगुफा छोड़ते हैं, और इनके आने से या कुछ बोलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सीमांचल के इलाके में जो हमारे विभाग से जो भी काम है उसको हम पंचायत स्तर तक उस काम को, रोजगार को लेके जाएंगे।